हेलो 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 पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो देखिए, जदयू कार्यालय के अंदर में मौजूद है कर्पूरी सभागार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बैठक कर रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त बैठे हुए हैं। पीछे में आप तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम जो पदाधिकारी हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी जदयू के अंदर मिली है वो कहीं ना कहीं अंदर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। ये बैठक बेहद खास बैठक है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई ऐसे दिग्गज हैं जो इस वक्त बैठक जदयू के लिए खासतौर पे जो कार्यकारी व्यक्ति हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उनके लिए काफी खास बताया जा रहा है। खुद आप देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए तस्वीरें, नीतीश कुमार यहाँ पे मौजूद है, नीतीश के साथ साथ कई दिग्गज यहाँ पे सांसद नेता भी मौजूद है और बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनको मिली है और नीतीश कुमार खुद मौजूद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि नाराज कही जा रही थी ललन सिंह यहाँ पर मौजूद नहीं है। आखिरकार ललन सिंह क्यों मौजूद नहीं है ये भी अपने आप में बेहद दिलचस्प कहानी है कि क्यों ललन सिंह गैर मौजूदगी है उनकी। क्या ललन सिंह नाराज चल रहे हैं या फिर कई ऐसे गतिविधियां हैं पार्टी के अंदर जिसके वजह से नाराजगी मानी जा रही है, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ललन सिंह आखिरकार पहुंचते हैं या फिर नहीं। कई ऐसे नेता हैं जो एक एक करके अभी पहुंच रहे हैं। ये बैठक के बाद क्या कुछ होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जदयू के तरफ से राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक आज बुलाई गई है और ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले कई तरह के ऐसी परिस्थितियां हैं जो एनडीए गठबंधन के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकती हैं। कई ऐसे बयान जदयू की तरफ से लगातार आ रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में सियासी भूचाल मचने की आशंकाएं जताई जा रही। खुद जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस बात का प्रमाण इससे आप लगा सकते हैं कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं ललन सिंह की गैर मौजूदगी है। इसी कर्पूरी सभागार के अंदर में एक बैठक चल रही है राज्य कार्यकारिणी की, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसमें मौजूद है, कई सांसद भी इसमें मौजूद है, लेकिन कई सांसद नाराज भी चल रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे बयान जदयू के अंदर से निकल के सामने आई थी जैसा ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जल्द ही कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। एनडीए के गठबंधन की अगर बातचीत की जाए तो एनडीए गठबंधन में जदयू और बीजेपी के रिश्ते धीरे धीरे खटास में बदलते नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह के वो ट्वीट याद कीजिए जब स्कूल में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और ठीक उसके बाद जदयू के अंदर से लगातार जो प्रतिक्रियाएं आई, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अगर आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी नीतीश कुमार नाराज हो गए थे जब दिलीप जायसवाल ने मीडिया के सामने सबके सामने ये कबूल कर लिया कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर गाहे बगाहे इस बात को आप मानिए कि एक अन्य मार्ग में बैठा राजा ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बड़ा बदलाव कर सकता है। इसमें ना तो बीजेपी कुछ कर सकती है और ना ही एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल कर सकते हैं। आखिरकार नीतीश कुमार के राज्य कार्यकारिणी बुलाने की बैठक की वजह क्या है? इसके अलावा एनडीए की अगर बातचीत करें तो जदयू के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कुछ ही दिन पहले 500 के लगभग आसपास में कई ऐसे कार्यकारिणी अध्यक्ष थे जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। खुद इसमें नीतीश कुमार के बेहद करीबी खास रिश्तेदार का नाम लिस्ट से आउट कर दिया गया था। कई ऐसे एमएलसी हैं जिनकी नाराजगी बढ़ गई थी, एमएलसी को लेकर के भी चर्चाएं चल रही थी कि एमएलसी काफी नाराज चल रहे हैं। नीतीश कुमार के कभी खासम खास रहे कई एमएलसीओ का नाम इस लिस्ट से गायब कर दिया गया था। खुद अशोक चौधरी का नाम इस लिस्ट से गायब था और अशोक चौधरी की भी नाराजगी दिख रही थी। देखिए तमाम जो वरिष्ठ नेता है, मंत्री है, सांसद है, वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। आप अमरेंद्र पांडे को देखिएगा, गोपालगंज से आए हैं और काफी ज्यादा इनको लेकर के चर्चाएं तेज रहती हैं। आखिरकार अमरेंद्र पांडे, बाहुबली अमरेंद्र पांडे और इनको लेकर के जदयू क्या सोचती है तो आने वाले वक्त में दिखेगा। लेकिन हम आपको बता रहे थे कि जदयू के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई मायनों में खास बताई जा रही है। ललन सिंह अब तक नहीं आए हैं,
तो क्या ये माना जाए कि ललन सिंह नाराज चल रहे हैं? ललन सिंह आखिरकार क्यों नाराज चल रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आगे की कहानी जो कुछ भी इस बैठक से निकल के सामने आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप इतना तय मानिए कि जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। भयंकर नाराजगी जदयू के अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।